बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो हमारा जो मैंने क्यूवीसी पर पहले भी दो वीडियो अपलोड कर दी हुई हैं कि क्यूवीसी व्हाट इज़ अ क्यूवीसी, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो क्यूवीसी में क्या क्या देखा जाता है, और थर्ड वीडियो है फिंगरप्रिंट। ये जो आपके हाथों के फिंगरप्रिंट हैं इन पर वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो फिंगरप्रिंट में बहुत ज़्यादा मसले निकलते हैं कि फिंगरप्रिंट आपके लगते नहीं है, फिंगरप्रिंट सेकंड डेट, थर्ड डेट, इस तरह मसलन आपका रिपीट हो रहा है, आपके फिंगरप्रिंट उधर क्यूवीसी में क्लियर नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह, अगर उम्मीद अल्लाह ने चाहा तो आपका ज़रूर हो जाएगा फिंगरप्रिंट क्लियर। इसमें आपको चंद तरीके बताऊंगा, अगर आपने उन पर अमल किया और अच्छे से तरीके से अमल किया तो इंशाल्लाह मैं भी 3 से 4 बार फिंगरप्रिंट में मसलन क्लियर ही नहीं हो रहा था, रिपीट पर रिपीट, रिपीट पर रिपीट। तो मसले क्या थे, ये जो उंगलियों में आपके कट कट होते हैं ना, मेरे तो हाथों को आता है पसीना, नमी आती है, जिस वजह से मुझे मुश्किल होती थी, पसीना आता था, इस वजह से मेरे फिंगरप्रिंट नहीं लगते थे। आपके फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लग रहे, ये तो आपको बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ हैं। अगर तो आपके हाथों की ये जो कट 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 लगे हुए हैं, इनको अगर ये कट की वजह से आपके फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे, तो आपने सबसे पहले तो अपना वैसलीन जो होती है ना, कोई भी क्रीम ले ले जो सर्दियों में चेहरे पर खुश्की के लिए लगाते हैं, या वैसलीन ले ले, ठीक है ना, उसको आपने प्लास्टिक का कोई ले लेना, प्लास्टिक की चीज़, उसके साथ आपने अपनी जिल्द में भरना है जो जो कट है ना, ऐसे ऐसे अगर हाथ से लगाएंगे वो इधर लगता रहेगा, प्लास्टिक की मदद से आपने उसको भरना है, कट को भरना है, ठीक है ना, भरना है, और उसको 5 मिनट तक आपने ऐसे लगे रहने देना है। उसके बाद जो डॉक्टरी ग्लव्स होते हैं ब्लू कलर के, वाइट कलर के, वो डाल लेने हैं, ठीक है ना, उसको डाल लेना। तकरीबन आपने दिन में 2 से 3 बार करना है। उसके बाद क्यूवीसी से 15 से 20 दिन पहले आपने कोई ऐसा हार्ड वर्किंग काम नहीं करना, मिट्टी में या ज़्यादा पानी में आपने हाथ नहीं डालने, ठीक है ना। ये कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन पर अमल करेंगे तो ये जो फिंगरप्रिंट का मसला है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 5 नहीं 10 से 15 दिन आपने क्यूवीसी के लिए तैयार करना है अपने आप को, ठीक है ना। ग्लव्स डालने हैं, इन पर वैसलीन लगानी है, इन पर क्रीम लगानी है, इन पर लोशन लगाना है, ठीक है ना, ऑयल भी लगा सकते हैं आप लोग। और 5 से 15 से 20 दिन आपने किसी भी हार्ड वर्किंग काम में हाथ नहीं डालना, इस तरह हाथ फटते हैं, सख्त हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर तो आपके हाथों को पसीना आ रहा है, ठीक है ना, पसीना आ रहा है, तो आपने पाउडर होता है ना जो हम इधर लगाते हैं बगलों वगैरह में ऐसे ऐसे, वो आपने क्यूवीसी ले जाना है, ठीक है ना। आप पहले आपने अपने हाथ को वॉश करना है, उधर जब आपके फिंगरप्रिंट लेने लगे तो उनको बोलें मैं हाथ वॉश करूंगा, वो जाने देते हैं, मसला कोई नहीं है। आप पहले अपने हाथों को वॉश करें, वॉश करने के बाद आप पाउडर लगा लें, ठीक है ना, ऐसे पाउडर लगा लें, वो थोड़ी देर के लिए आपके हाथ खुश्क हो जाते हैं, ऐसे लगाने के बाद ऐसे झाड़ लें थोड़ा सा और फिर लगाएं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी ये तरीके इस्तेमाल किए हैं, मेरे तो चलो 3री बार खुद ही लग गए। तो अगर तो आपके ना लगे तो आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर लग जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी फिंगरप्रिंट के बारे में, ठीक है ना। ये मेरे हाथों के आप फिंगर देख सकते हैं अभी, फिर भी क्लियर है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आया हो, या आपके जहन में कोई सवाल हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।